हरिद्वार में मासूम के साथ हुई दरिंदगी ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। मामले में चार दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने से नाराज कई संगठनों ने बुधवार को शहर के बीचों बीच चंद्राचार्य चौक और ऋषिकुल पर जाम लगाकर धरना दिया। डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया गया, लेकिन तब तक पूरा शहर जाम की भेंट चढ़ चुका था। लोगों ने आरोप लगाया है कि हत्या का आरोपी रविवार को पुलिस के सामने से फरार हुआ है, लेकिन अभी तक आरोपी को पुलिस पकड़ने में नाकाम साबित हुई है। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। हरीश रावत ने भी लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी बात मुख्यमंत्री से हुई है। इसके साथ ही उच्च अधिकारियों ने भी संज्ञान लिया है, अगर मामले में कोई सुनवाई नहीं होती तो विधानसभा में मुद्दे को उठाया जाएगा। हृदय विदारक और बहुत ही घृणित जघन्य पाप हुआ है। एक बच्ची जो हमारी किसी की बेटी और उसको जिस नृशंस तरीके से बलात्कार करके मारा गया है और उसके बाद साक्ष्य नष्ट करने की कोशिशें हुई है, वो बहुत ही घृणित है। और जिस प्रकार से सबके देखा देखी मुख्य अभियुक्त भाग गया है, वो और ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है। और इससे पुलिस प्रशासन पर बड़ा धप्पा लगा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस प्रशासन उस व्यक्ति को, राजीव नाम के उस व्यक्ति को, जो भी है, मैं नहीं कह सकता वो जो जिस उसमें है, क्योंकि भागा है तो संदेह होता है, तो उनको पकड़ करके यहाँ लाएं। और जो अपराधी हैं, एक अपराध इतना जिस तरीके का सीन मैंने फोटो इत्यादि देखा है, एक अपराधी नहीं कर सकता है, उसमें कई लोग सम्मिलित हैं। और जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है वो अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति है, धनाढ्य व्यक्ति है और उसके कनेक्शन महत्वपूर्ण लोगों के साथ बताए जा रहे हैं उसके संबंध, तो इसलिए भविष्य में भी साक्ष्यों के नष्ट होने की पूरी संभावना है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और लोग बिल्कुल सही मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को सजाए मौत मिलनी चाहिए, लेकिन मिलेगी कानून की प्रक्रिया से ही, ये हम सबको समझना पड़ेगा। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की है, उन्होंने कहा पूरी ताकत लगाई जा रही है और मेरी डीजी पुलिस से भी बात हुई है और उन्होंने भी कहा हम टीमें बना करके सब भेज दी गई हैं और भेज भी रहे हैं। और मेरी कल विधानसभा में मामला उठेगा, इंदिरा हृदय जी से बातचीत हुई है। बच्ची की गुमशुदगी की उस वक्त ही तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया गया था और उस मुकदमा दर्ज करके उसमें कार्रवाई भी की गई है। जहां तक अन्य अभियुक्त की बात है, उसके लिए हमारी लगातार दबिश चल रही है। हमारे वहां से 8 टीमें बनी हुई हैं और लगातार दबिश है और उसे भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं हरिद्वार में ही किन्नर समाज ने भी ऋषिकुल चौराहे पर पहुंचकर पीड़िता के लिए मोमबत्ती जलाई। किन्नरों के अध्यक्ष मोनिका ने कहा कि जिस तरह से बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, अपने आप में शर्मसार करने वाली घटना है। कि उन दिरंदों को फांसी पे लटकाना चाहिए, सरेआम जो हमारी बिटिया के साथ हुआ है वो किसी और बेटी के साथ ना हो, और हमारा किन्नर समाज भी उनके साथ है। गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, ये सब पूरे शहर को, पूरी सिटी को पता है। हम इसके सपोर्ट में आए, हमें किन्नर समाज को भी, हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई भी एज ए फीमेल, एज ए ट्रांसजेंडर हो या एज ए वुमेन हो, एज ए गर्ल्स हो, कोई भी सपोर्ट में आना चाहिए और हर किसी को आना चाहिए। आज हमारे शहर की बेटी के साथ हुआ है के साथ, आज ज्वालापुर उत्तराखंड हरिद्वार के लोगों जाग जाओ, मेरा सबके लिए ये संदेश है। आप अगर आज के लिए निकल के आओगे घर से बाहर तो कल को हमारी भी बहन बेटियाँ और भी हैं। वहीं देहरादून के गांधी पार्क में भी आम आदमी पार्टी ने कैंडल मार्च निकाला। आप कार्यकर्ताओं ने लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आप कार्यकर्ताओं ने मांग की कि मासूम के आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। एक 11 साल की बच्ची के साथ
बलात्कार के साथ साथ उसकी हत्या कर दी जाती है और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मदन कौशिक जी की है और पड़ोस के 10 कदम की दूरी पर एक छोटी बच्ची को बुलाया जाता है और उसकी फिर हत्या बलात्कार के साथ हत्या कर दी जाती है। मेरा ये कहना है कि आज उत्तराखंड की सरकार इतनी गुंडागिर्दी गुंडे लोगों को कितनी शह दे रही है ये जो कहने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी, शायद इसलिए कि जो मेन मुलजिम था इसमें, जिस मेन मुलजिम ने जिसको पकड़ाया पीड़िता के परिवार वालों ने और उसने उस जगह पे उपस्थित रह के ये दर्शा दिया कि मेरे ऊपर किन लोगों का हाथ है और वो उस जगह से फरार हो जाता है। लगातार हरिद्वार मामले में विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च का दौर जारी है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी इसका कोई पता नहीं। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।